हेलो एंड वेलकम टू द क्लास प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 के सेक्शन 5, 6, 7, 8 को आज हम स्टडी करेंगे क्योंकि हमने लास्ट क्लास में 1 से लेके 4 तक पढ़ लिए थे और 3 और 4 सेक्शन 3 और 4 बहुत इंपॉर्टेंट हैं जब हम प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट की बात करते हैं. तो हम आज सेक्शन 5 को पढ़ेंगे जो कहता है पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वायर रिलीज्ड ऑफेंडर्स टू पे कंपेंसेशन एंड कॉस्ट. यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सेक्शन 3 या सेक्शन 4 का बेनिफिट देते हुए किसी ऑफेंडर को, किसी कॉन्विक्ट को, अपराधी को सेंटेंस ना सुना करके बल्कि उसको रिलीज कर दिया गया, चाहे सेक्शन 3 में एडमोनिशन दे करके या फिर सेक्शन 4 में प्रोबेशन, गुड कंडक्ट के प्रोबेशन के ऊपर. तो जब एक व्यक्ति को रिलीज कर दिया गया, ऑफेंस तो किया उसने, क्राइम तो किया, उस क्राइम से किसी ना किसी को नुकसान हुआ होगा, लॉस हुआ होगा, इंजरी हुई होगी, तो जिसका नुकसान हुआ, जिसको इंजरी हुई, चोट पहुंची, उसके नुकसान और उसकी चोट की भरपाई कोर्ट चाहे तो बोल सकते हैं ऑफेंडर से कि आप कीजिए. एक व्यक्ति बी को नुकसान पहुंचाता है चोरी करके, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था जब चोरी करते हैं थेफ्ट की बात की थी, तो जब थेफ्ट की बात की थी सेक्शन 3 में कि जो है क्या होगा अगर 2 साल से कम की पनिशमेंट वाला है तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर व्यक्ति को एडमोनिशन देकर के भी छोड़ सकते हैं, कंडीशन देख करके, कौन सी कंडीशन थी, कैरेक्टर व्यक्ति का देख के, उसकी फिजिकल मेंटल कंडीशंस देख करके, और यहाँ पर हमने भी पढ़ा था कि सर्कमस्टांसेस में उसने जिस क्राइम किया वो चीज भी कंसीडर करेंगे और उसकी पहले की परिस्थितियां कैसे रही, एंटीसीडेंट्स, वो सब भी देख करके और रिलीज कर दिया जाता है व्यक्ति को, क्या एडमोनिशन दे करके, उसको जो है चेतावनी दे करके रिलीज कर दिया जाता है कि भाई देखो आगे से मत करना. जब उस व्यक्ति को रिलीज कर दिया गया, चोरी तो उसने की थी, जिसके घर में चोरी हुई नुकसान तो हुआ उसे, तो जो व्यक्ति है जिसको रिलीज कर रहे हैं उसको बोल सकते हैं कोर्ट चाहे तो कि आप इसकी भरपाई करो, चोरी का सामान था इसको लौटाओ. तो ऐसा बोला जा सकता है, कोर्ट के पास पावर है, सेक्शन 5 कहता है. अब सेक्शन 5 में समझ में आ गया कि पावर है कोर्ट के पास, उसको बोल सकते हैं कि आप इसकी नुकसान की इसकी भरपाई कर दीजिए. इसके अलावा, इसके साथ साथ कोर्ट जो है जो प्रोसीडिंग में, केस की प्रोसीडिंग में जो पैसा लग रहा है उसके कंपेंसेशन के लिए भी बोल सकते हैं ऑफेंडर को कि ये भरपाई भी करो. अब ये भरपाई कैसे होगी, सीआरपीसी के जो फाइन से रिलेटेड प्रोविजन है सबसेक्शन 2 कहता है सेक्शन 5 का, उसके अकॉर्डिंग भरपाई होगी. और अगर यही मैटर जो यहां पर आया प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट में कहा क्राइम के तौर पर आया, यही कोई मैटर है, उसमें कोई इश्यू है जो कि सिविल कोर्ट में भी जाता है, अब सिविल कोर्ट में जो जज साहब होंगे वो क्या करेंगे, वो वहां पर उसको डैमेज के लिए बोल सकते हैं. तो जब वो डैमेज अवॉर्ड करेंगे व्यक्ति को कि आपको डैमेज पर जो है भरपाई करनी पड़ेगी, सजा तो नहीं, वहां पर जेल तो नहीं, वहां पर क्या डैमेज आपको देनी पड़ेगी, तो डैमेज देने के लिए जब वहां पर जज साहब बोल रहे हैं तो यहां पर जो प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट में मजिस्ट्रेट साहब ने जो व्यक्ति को क्या सुनाया था, जो यहाँ पर कंपेंसेशन दिया था, उस कंपेंसेशन को, उस फाइन को भी कंसीडर करेंगे जब वो वहां डैमेज सुना रहे हैं. मतलब हो सकता है वो थोड़ी कम कर दें क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी उसको सुनाई गई है, यहाँ पर उससे ऑलरेडी पैसा लिया जा चुका है और वहां दोबारा और ज्यादा देना तो वो उस पर भी बर्डन ना पड़े, इसलिए हो सकता है वो जब क्या जब सुना रहे हैं, क्या सुना रहे हैं कि आपको इतना डैमेज देना है व्यक्ति को, तो यहाँ पर जो कंपेंसेशन दिया गया उसको भी वो कंसिडर करते हैं. सेक्शन 5 ये कहता है. अब ये क्वेश्चन मार्क है कि कितना कंपेंसेशन लिया जाएगा ऑफेंडर से, तो ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, सेक्शन पावर देता है कोर्ट के पास. अब कोर्ट के पास ना सिर्फ कंपेंसेशन देने की अपनी मर्जी है बल्कि कंपेंसेशन डिसाइड करने की भी अपनी मर्जी है, कोर्ट की डिस्क्रिशन है, विवेक पे डिपेंड करता है कि वो कंपेंसेशन लेना चाहते हैं नहीं, और कंपेंसेशन दिलवाना भी चाहते हैं तो कितना दिलवाना चाहते हैं वो भी उनके कोर्ट के ही जो है डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है. केस है राजेश्वरी प्रसाद वर्सेस राम बाबू गुप्ता 1961, सेम बात हेल्ड हुई थी. कितना कंपेंसेशन होगा कुछ मेंशन नहीं है, कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, जैसा वो डिसाइड करना चाहे वो डिसाइड कर सकते हैं. सेक्शन 6 कहता है रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्प्रिजनमेंट ऑफ ऑफेंडर्स अंडर 21 इयर्स ऑफ एज. अब यहाँ देखना, साफ साफ कह रहा है सेक्शन कि जो व्यक्ति 21 इयर्स ऑफ एज का है, यानी 21 साल से कम का है, और उसने एक ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी सजा जो होगी या क्या होगी, ना तो उसकी सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट है ना फिर डेथ है, बल्कि इससे जो कम की सजा है,
तो उस केस में क्या होगा, व्यक्ति को कहां जारी नहीं भेजा जा सकता, इम्प्रिजनमेंट में नहीं भेजा जा सकता, रेस्ट्रिक्शन है, सेक्शन 6 ये कहता है। लेकिन सबसे सेक्शन 6 का सबसेक्शन 1 ये भी कहता है कि अगर ऐसा होता है, जो मजिस्ट्रेट है वो अगर कोर्ट है, अगर व्यक्ति को जो 21 साल से कम का है और उसने ना तो ऐसा अपराध किया जिसकी सजा जो है मृत्युदंड है ना आजीवन कारावास है, तो उस व्यक्ति को वो तब भी जेल में भेज सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, मगर जेल में भेजने से पहले सेंटेंस सुना सकते हैं, सेंटेंस सुनाने से पहले उन्हें सब वही चीजें, उसकी फिजिकल कंडीशन, मेंटल कंडीशन, सर्कमस्टांसेस और उसकी कैरेक्टर और उसकी परिस्थितियां, पिछला जो है उसका जीवन कैसा रहा, सब कंसिडर करने के बाद ही वो जो है व्यक्ति को इम्प्रिजनमेंट में डालेंगे, सेंटेंस सुनाएंगे और रीजंस भी रिकॉर्ड करेंगे कि इन रीजंस की वजह से मैं व्यक्ति को जो है जेल में डाल रहा हूं। अब सेक्शन 2 के जेल में भी डाल सकता हूँ, फाइन भी इम्पोज कर सकता हूँ। तो इम्प्रिजनमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, साफ साफ इम्प्रिजनमेंट वर्ड दिया हुआ है, तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन किसमें है, इम्प्रिजनमेंट में। तो अब यहाँ सेक्शन 6 का सबसेक्शन 1 ने तो ये कह दिया कि अगर वो दे रहे हैं, पहली बात तो देना नहीं, रेस्ट्रिक्शन है, नहीं कर सकते 21 साल से कम व्यक्ति को इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकते, अगर जो पनिशमेंट है क्राइम का ना तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और ना फिर डेथ है, तो व्यक्ति को नहीं दे सकते आप। अब अगर जो मजिस्ट्रेट है सारी परिस्थिति देखने के बाद उन्हें लगता है कि नहीं इसको जो है जेल में भेजना चाहिए, तो भेजते हैं, रीजन रिकॉर्ड करेंगे। तब सेक्शन 2 कहता है कि यहाँ पर उन्होंने क्या करना है, प्रोबेशन ऑफिसर की जो रिपोर्ट होगी वो भी वो देखेंगे। शैल की बात हुई है यहाँ पर, ये देख लेना, शैल वो क्या करेंगे, शैल कंसिडर द रिपोर्ट प्रिपेयर बाय प्रोबेशन ऑफिसर, जो प्रोबेशन ऑफिसर रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे उसको वो कंसिडर करेंगे और उसमें उसकी मेंटल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन को भी कंसिडर करेंगे। यहाँ एक बात ध्यान रखना, अभी हम सेक्शन 7 में पढ़ते हैं, चल पढ़ लेते हैं, रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर टू बी कॉन्फिडेंशियल। अब यहाँ कहा कि जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट की बात हमने सेक्शन 4 में भी करी थी, तो सेक्शन 4 के सबसेक्शन 1 में और सेक्शन 6 के सबसेक्शन 2 में हमने प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट करी है। जब हमने सेक्शन 4 का सबसेक्शन 2 पढ़ा था तो वहां सबसेक्शन 1 पढ़ा था, वहां पे हमने जो प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट के बारे में बात की थी वो जो थी वो मैंडेटरी नहीं थी, वो रिपोर्ट मे वाली बात थी, मे कंसीडर और नॉट। बट यहाँ सेक्शन 6 में है कि शैल कंसीडर, वो कंसीडर करेंगे रिपोर्ट को, तो जो रिपोर्ट होगी वो कॉन्फिडेंशियल ही होगी। लेकिन सेक्शन 7 का एक प्रोवाइजो भी है जो ये कहता है कि अगर कोर्ट को ठीक लगता है तो वो उसका जो सब्सटेंस है, जो ऑफेंडर को बताना है कि देखिए ये वजह है, इस वजह से हम आपको जो है इम्प्रिजनमेंट में डालेंगे, जब भी वजह है तो देंगे, उसको बताएंगे ताकि उसके पास रीजन रहे कि जो है मैं अपने जो है अपने आप का क्या कर सकूं, प्रोटेक्शन कर तैयार कर सकूं, अपने लिए एविडेंस तैयार कर सकूं। तो प्रोवाइजो कहता है कि अगर चाहे कौन कोर्ट, तो वो व्यक्ति को जो है ये भी बता सकते हैं कि सब्सटेंस क्या है, कि किस वजह पे, किस बिना पर आपको जो है क्या करा जा रहा है, इम्प्रिजनमेंट दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, सेक्शन 4 का सबसेक्शन 1 को देखा जा रहा है। तो पहली बात तो कॉन्फिडेंशियल होगा, लेकिन ऑफेंडर को और उसके श्योरिटीज को बताया जा सकता है। सेक्शन 8 कहता है वेरिएशन ऑफ कंडीशंस ऑफ प्रोबेशन। अब यहाँ पर ध्यान रखना, सबसेक्शन 1 क्लियरली बोलता है कि जब वेरिएशन की बात हो रही है तो जो हमारा प्रोबेशन पीरियड है उसकी ड्यूरेशन को छोड़ के किसी भी कंडीशन में कोई फेरबदल नहीं हो सकती। क्लियर बात है, सिर्फ और सिर्फ ड्यूरेशन ही चेंज हो सकती है, चाहे कम ड्यूरेशन कर सकते हैं चाहे फिर ज्यादा कर सकते हैं, कोर्ट के अपने डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है, कोर्ट के अपने विवेक पर डिपेंड करता है, परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि व्यक्ति को रखना है नहीं रखना है, ये भी बात सेक्शन 8 कहता है। और अगर रखना है तो सेक्शन 8 कहता है कि ड्यूरेशन बढ़ानी है कि घटानी है वो भी, और हमें पता है मैक्सिमम पीरियड कितना है, 3 साल, 3 साल तक ही व्यक्ति को प्रोबेशन पीरियड में रख सकते हैं। और 3 साल में अगर व्यक्ति को से 1 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड के लिए बोला था तो 1 साल में बढ़ाई भी हो सकती है, 1 साल में घटाई भी हो सकती है, लेकिन जब दोनों ही बातें करी, चाहे बढ़ाई चाहे घटाई करी है, तो उसमें बॉन्ड में चेंज होगा, और बॉन्ड में जब चेंज होता है तो उसको ये भी बोला जाएगा कि आप जो है ये बॉन्ड में चेंज हो रहा है। अब श्योरिटी को बोला जाएगा कि इसमें चेंज करना है, अब श्योरिटी अगर कह दे कि नहीं मुझे नहीं करवाना इसमें अल्टरेशन नहीं करना, तो सबसेक्शन 2 ये भी कहता है कि वो बोलेंगे, कोर्ट बोलेंगे अब ऑफेंडर आप जो है फ्रेश बॉन्ड को जो है बनाइए, क्योंकि आपकी श्योरिटी ने इसमें मैं अल्टरेशन करा वो मना कर दिया है, तो आप एक फ्रेश बॉन्ड बनाइए। तो वहां पर अगर ऑफेंडर भी मना करता है फ्रेश बॉन्ड साइन करने से, या वो किसी वजह से नहीं कर पाता, तो कोर्ट क्या करेंगे, सेक्शन 8 का सबसेक्शन 2 कहता है उसे सेंटेंस सुना सकते हैं, उसे सजा सुना सकते हैं।
सेक्शन 8 हमें सिंपल ये बात बता देता है। अब सेक्शन 8 का सबसेक्शन 3 भी है और वो हमें कहता है कि नोट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन बिफोर, कुछ भी अगर ऐसा कहा गया अभी तक उन सबको ध्यान रखने के बावजूद, एक बार सेक्शन 8 का सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर कोर्ट चाहे उन्हें लगता है परिस्थितियां इस तरीके की है कि अब व्यक्ति को फ्रेश बॉन्ड भरने की जरूरत नहीं है बल्कि उसे अब किसी जो है कड़ी तरीके की गारंटी देने की जरूरत नहीं है तो वो उसे सुपरविजन कंडीशन से अलहटा भी सकते हैं। ये सबसेक्शन 3 कहता है सेक्शन 8 का। फिर दो केस लॉज और हमारे पास है जो सेक्शन 6 से रिलेटेड है। पहला है दौलत राम वर्सेज द स्टेट ऑफ हरियाणा 1972। आपको याद होगा एक केस हमने 360 में बताया था आपको, जुगल किशोर प्रसाद वर्सेज द स्टेट ऑफ बिहार, वहां पे भी यही बात की गई थी कि जो ऑब्जेक्ट है सेक्शन 360 ऑफ सीआरपीसी का कि जो जुविनाइल्स हैं, जो मतलब कम एज के हैं या जो पहली बार क्राइम करके आए हैं, उनको हार्डेंड क्रिमिनल के साथ ना रखा जाए ताकि उनमें आदत ना पड़ जाए क्राइम करने की, उनमें संगत का असर ना आए, इसलिए उन्हें मौका दिया जाता है, इसलिए 360 को लाया गया, उसका ऑब्जेक्ट ये था। सेम बात यहाँ पर दौलत राम वर्सेज द स्टेट ऑफ हरियाणा 1972 और रामजी मिसाल वर्सेज द स्टेट ऑफ बिहार 1963 में दोहराई गई है कि क्या कि जो सेक्शन 6 में कहा गया कि जो 21 इयर्स ऑफ एज के व्यक्ति हैं उन्हें जेल में रखा जाएगा ताकि वो क्रिमिनल ना बन जाए, उनको सुधारने पे हमें फोकस करना है, उन्हें क्रिमिनल बनाने में फोकस नहीं करना, संगत को देख के संगत का असर आता ही है, इसलिए एक व्यक्ति जैसी परिस्थितियों में रहेगा वैसा बनेगा ही चाहे या नहीं। और एक इंसान की प्रवृत्ति ये होती है कि हम नेगेटिव चीजों को बहुत जल्दी ऑब्जर्व करते हैं एज कम्पेयर टू पॉजिटिव थिंग्स। पॉजिटिव चेंज आने में बहुत टाइम लग जाता है, नेगेटिव चेंज आने में बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति कोई सेंस फॉर इंस्टेंस अगर वीडियो ही बना रहे हैं हम, तो उसमें अगर हम 10 बातें बोल रहे हैं, 10 में से कोई एक बात अगर हमसे गलती से कुछ गलत निकल गई तो उसको पकड़ के आप फटाफट से कुछ कुछ कमेंट कर देते हैं, लेकिन अगर हमने 10 बातें में से 9 बातें सही बोली हैं वो शायद इग्नोर भी कर दी जाते हैं। सबके साथ ऐसा नहीं होता है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अच्छे के लिए बोलते हैं बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझ के करते हैं, बिकॉज हमारा जैसा माइंड होता है हम वैसे रिएक्ट करते हैं। ये बात तो बहुत ही ज्यादा कॉमन सी बात है कि जैसे प्रवृत्ति के हम होते हैं हम वैसी चीजें वैसे ही लोगों को वैसे ही देखते हैं, चीजों को देखने का नजरिया भी हमारा वैसा ही हो जाता है। जैसे कोई अगर अच्छे साफ मन का होगा तो वो सबको ऐसे सोचेगा कि सारी दुनिया साफ मन की है, और अगर कोई थोड़ा सा भी बुरे मन का होगा तो सोचेगा सारी दुनिया जो है बुरे मन की है। तो ये होता है तरीका, जब हमने कहा कि एक व्यक्ति संगत के साथ में अपना जो है अपने आप को चेंज कर ही लेता है चाहे हम चाहें चाहे नहीं चाहें, तो यही बात है। इसलिए जो ऑब्जेक्ट रहा सेक्शन 6 का वो यही है कि जो व्यक्ति हैं जो छोटे मतलब 21 इयर्स ऑफ एज से कम के हैं, जो यंग हैं, जो विनायक हैं, उनको जो है क्या करा जाए क्रिमिनल के साथ में ना रखा जाए, इसलिए उन्हें मौका दिया जाता है सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का। तो अभी तक हमने 8 सेक्शन तक पढ़ लिए हैं, आई होप क्लियर होगा। फिर से बोल रहे हैं अगर कोई गलती हो जाती है हमसे तो क्षमा प्रार्थी हैं, और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर क्लास अच्छी लगती हो तो बने रहिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए भी। थैंक यू सो मच।